स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं और जो उसमें पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल है उसे माइक्रोट्यूबुल्स का रेडिएशन होता है, उसे माइक्रोट्यूबुल्स जो है ओरिजिनेट करते हैं। देखिए माइक्रोट्यूबुल्स ओरिजिनेट करते हैं, कुछ माइक्रोट्यूबुल्स छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, वो सेंट्रियोल के चारों तरफ पाए जाते हैं, और कुछ माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो वन पेयर ऑफ सेंट्रियोल से दूसरे पेयर ऑफ सेंट्रियोल तक एक्सटेंड करते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर से अपना अटैचमेंट बनाते हैं और ये क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एक स्पिंडल फाइबर 20 to 30 माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। ये देखिए ये स्पिंडल फाइबर है, इसमें 20 से लगा के 30 माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाएंगे।